तो आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गाइस वो वीडियो जिसकी आप सभी लोग आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। जी हाँ, हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। कच्चे आलू से बना हुआ फेशियल सीरम आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि आपके चेहरे पे लाने वाला है फेशियल जैसा ग्लो और निखार। और साथ ही साथ शेयर करी हूँ एक बोनस रेमेडी जो आपके बहुत काम आने भाई वाली है। बहुत दिनों से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों के ढेर ढेर कमेंट्स आ रहे हैं कि निगार कच्चे आलू की क्रीम फिर से शेयर करो। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कच्चे आलू से बना हुआ फेशियल सीरम शेयर कर रही हूँ। जी हाँ गाइज, इसके इतने ज़्यादा खूबसूरत नतीजे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। कच्चे आलू से बना हुआ ये फेशियल सीरम आपके चेहरे के लिए मैजिकल रेमेडी साबित होने वाली है। और ये मैजिक सिर्फ आलू का ही नहीं है, बल्कि साथ साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बोनस रेमेडी, क्योंकि इसके अलावा एक और टॉपिक पे बहुत ज्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे कि निगार हमें अंडर आई डार्क सर्किल की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बोनस रेमेडी ये है मेरे हाथों में। जी हाँ, आज एक नहीं बल्कि दो दो रेमेडी है। एक तो आपके चेहरे पे लाएगा फेशियल जैसा निखार, और दूसरा आपके आंखों के चारों ओर आए हुए काले काले घेरों को खत्म करेगा। बट सच बताऊं तो ये दोनों चीज़ें मैंने अपने लिए बनाई है गाइस, क्योंकि अभी ना मैं, आप जानते हो, छोटा बेबी है, तो मुझे लेट नाइट वीडियो शूट करने के बाद एडिटिंग करना पड़ता है, उसके साथ जगना पड़ता है, फिर सुबह मुझे जल्दी से उठना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड है, बच्चा है, तो वो भी स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए भी मुझे उठने का ब्रेकफास्ट तैयार करना है। तो इसकी वजह से मैं पूरी नींद नहीं ले पाती, जिसकी वजह से मुझे भी डार्क सर्किल हो रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने अपने लिए बनाई हैं, क्योंकि इस वक्त स्किन की डलनेस बहुत परेशान कर रही है। गर्मी है, चिपचिपापन और कालेपन की वजह से हमारी स्किन झुलस गई है, ग्लो खत्म हो गया है, उसके लिए ये है। और दूसरा ये जो है ना, ये अंडर आई डार्क सर्किल की रही, जो कि मैंने अपने लिए बनाया, तो आपके लिए भी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो दोनों ही बहुत ही कमाल की चीजें हैं, बहुत ही कमाल के रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। बट इसको बताने से पहले कि मैंने कैसे बनाया है, आपको एक छोटा सा काम करना होगा, वीडियो को करना होगा लाइक। जी हाँ, लाइक करोगे तो मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने में मदद मिलती है, और मुझे हौसला मिलता है आपके लिए नया कुछ करने का। साथ ही साथ अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। देखो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है यार, और घर पे इस तरह की रेमेडी आपको फ्री में मिलती है। तो यहाँ पे रेड कलर का बटन दिया है, तो जल्दी से प्रेस करो विद बेल आइकन, ताकि जब भी ऐसे रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आऊं, आप घर पर ही उनका फायदा उठा सको। ठीक है, तो चलो फटाफट से शेयर करती हूँ आज मैं दो रेमेडी जो कि आपके लिए होने वाली है बहुत ज्यादा मैजिकल। कीप वॉचिंग। तो आज हम दो रेमेडी बनाने वाले हैं गाइस, तो इसके लिए हमें थोड़े से बड़े आलू की ज़रूरत होगी, क्योंकि दोनों ही हमारी रेमेडी जो है वो कच्चे आलू से बनने वाली है। एक बड़ा सा आलू लीजिए और उसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और ये देखो, इस आलू को हमें क्या करना है, इसको पील ऑफ करना है। जब तक हम इसका छिलका उतार रहे हैं, तब तक आलू की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। देखो गाइस, आलू आपके डार्क सर्किल हो या फिर चेहरे पर काले काले दाग हो या फिर पिगमेंटेशन हो, झाइयों हो, अनइवन स्किन टोन हो, या आपके चेहरे पे आने वाली पिगमेंट के साथ साथ अगर आपको डिसकलरेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आप धूप में जाती हो तो आपका चेहरा काला पड़ जाता है, सन टैन बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके चेहरे का जो कोलेजन है वो ख़त्म होने लगा है, तो ये कोलेजन को भी बिल्ड करता है, साथ ही साथ इन सारी प्रॉब्लम को रिड्यूस करके आपकी स्किन को फेयर बनाता है। कच्चे आलू से आप अपनी स्किन को ब्लीच भी कर सकते हो। जी हाँ गाइज, ये बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। तो हमने क्या किया है, एक अच्छा आलू लिया, उसको हमने पील ऑफ किया, उसका बाद हमने उसको कद्दूकस करके उसका जूस कलेक्ट कर लिया। देखो, एक बोल में हमने ये सारा का सारा जूस निकाल लिया गाइज, और जो इसके नीचे का स्टार्च है ना, वो बहुत ज़्यादा मैजिकल है, तो उसको आपको फेंकना नहीं है। स्टार्च के साथ ही साथ हम ये रेमेडी यूज़ करेंगे। देखो, अब हमें क्या करना है, जैसे ही आलू का रस आप निकालोगे, उसके तुरंत बाद उसमें आप 10 बूंदें गिनकर लेमन जूस की डालोगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करोगे। 10 बूंदों से ज़्यादा लेमन का जूस आप नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो दो रेमेडी बन रही है, तो यहाँ पे एक बोल में हमें 2 चम्मच ये कच्चे आलू का रस अलग कर देना है, और ये जो बचा हुआ है इससे हम अपना फेशियल सीरम पहले बनाएंगे, ठीक है। तो इस फेशियल सीरम में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बट जो इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ वो आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे आपको चाहिए सबसे पहले कैस्टर ऑयल यानी एरंडी का तेल, जो कि आपकी ब्लैमिशेस, आपके पिगमेंटेशन, आपकी झुर्रियाँ और आपके अंडर आई डार्क सर्किल के साथ साथ आपके चेहरे पर आने वाले रूखेपन को, कालेपन को ख़त्म करेगा।
एक चम्मच आपने अरंडी का तेल लिया, आधा चम्मच आपको इसके अंदर कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल डालना है, और यहाँ पे 10 से 15 बूंदे आपको लेनी है ग्लिसरीन की। जी हाँ, अगर रूखी सूखी फटी फटी सी फ्लैकी ड्राई स्किन है तो ग्लिसरीन आपके चेहरे पे चमक बढ़ाने के साथ साथ इन सारी प्रॉब्लम को खत्म करती है। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून आपको भर कर लेना है एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल आपका मार्केट बेस होना चाहिए, पत्ते से टूटा हुआ नेचुरल एलोवेरा जेल हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें इसको स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो आप क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। बस इतनी ही चीज़ें काफ़ी है गाइस आपके फेशियल सीरम के लिए, और ये मैजिकल फेशियल सीरम हमारा बनकर तैयार है। जी हाँ, इसको अगर आप देखोगे ना तो इतनी ज़बरदस्त वर्किंग है गाइस, इसका जो कंसिस्टेंसी है वो आपको लगेगी कि जैसे आपने मार्केट से ये सीरम ख़रीदा है। ठीक है, तो ये सीरम हमारा बनकर तैयार है, और इसको हमको क्या करना है कि कोई भी ग्लास का कंटेनर या प्लास्टिक की बॉटल मेरे पास देखो रखी हुई थी, तो इसी में मैं स्टोर करूँगी। इससे पहले भी जो मैंने सीरम शेयर किया था वो भी इसी में स्टोर करके रखा था, तो ये वही बॉटल है। आपके पास कोई ऐसी बॉटल हो तो उसमें आप अपना ये फेशियल सीरम स्टोर करके रख लो। ठीक है, अब जी ये सीरम हमारा बनकर तैयार है, तो ये देखो इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम क्या करेंगे कि जब भी हमें इसको लगाना है एक बार शेक कर लेना है, और शेक करने के बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए गाइस, यहाँ पे अगर आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो कंसिस्टेंसी इतनी लाजवाब है गाइस। ये फेशियल सीरम आपको लगेगा कि आपने मार्केट से ख़रीदा है, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे इतना ज़बरदस्त फेशियल सीरम हमारा बनकर तैयार है। ठीक है, इसको जैसे स्किन के ऊपर लगाओगे आपके स्किन के ऊपर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल चिपचिपापन नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसा न लगेगा कि आपकी स्किन चिपकू चिपकू सी लग रही है। चलो बढ़ते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। तो दूसरा है हमारा अंडर आई डार्क सर्किल। जी हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे निगार काले घेरे हो रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ बता दो, तो आज मैं दूसरी रेमेडी भी आपके साथ शेयर ही कर देती हूँ। देखो, आधा चम्मच हमें कच्चे आलू के रस के अंदर डालना है कोकोनट ऑयल, और यहाँ पे ये 2 रुपए वाला जो कॉफी का सैशे है ना, इसको हमें यूज करना है, बट पूरा नहीं डालना है, आपको आधा कॉफी का सैशे यानी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून कॉफी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कॉफी आपके चेहरे से पिगमेंट और डार्कनेस को हटाती है, अंडर आई डार्क सर्किल के लिए बहुत अच्छी होती है। 1 पिंच ऑफ आप इसमें वाइल्ड टर्मरिक ऐड करना। किचन हल्दी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके चारों ओर आंखों के पीलापन लेकर आएगी। 1 विटामिन ई का कैप्सूल आप इसके अंदर ऐड करोगे जो कि अंडर आई डार्क सर्किल को खत्म करने के लिए गाइस बहुत बहुत बेनिफिशियल है। सारी चीजों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। ठीक है, और स्पून से अच्छी तरह से मिक्स करिए ताकि जो कॉफी के पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से घुल जाएं। और उसके बाद क्या करना है, आपको लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। ठीक है, 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालना भर कर, और इन सारी चीज़ों को फिर से आपको मिक्स करना है। एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी में आपकी अंडर आई डार्क सर्किल क्रीम बनकर तैयार हो गई है गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको आंखों की चारों ओर झुर्रियाँ, कालापन महसूस हो रहा है, या फिर रिंकल्स आ रही हैं, या फिर अंडर आई डार्क सर्किल की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ये क्रीम बहुत ही बेमिसाल काम करने वाली है अंडर आई डार्क सर्किल के ऊपर। अब छोटी सी डिब्बियाँ मेरे पास और खाली रखी हुई थी, तो मैंने ये अंडर आई डार्क सर्किल क्रीम अपनी इसी में स्टोर करके रख ली है। ठीक है, तो इसको भी आप कैसे लगाओगे सब कुछ आगे मैं बताने वाली हूँ। तो ये दोनों चीज़ें गाइस, ये दोनों ही चीज़ें बेमिसाल हैं आपके लिए। दोनों चीज़ों को बनाकर फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख लो, और जब खत्म हो जाए तो दोबारा बना लेना। चलो लगाना बता। देखो गाइस, आजकल मेकअप शेकअप तो मुझसे हो नहीं रहा है क्योंकि गर्मी की वजह से ना मेरा मन भी नहीं करता है। ऊपर से क्या होता है कि पसीने में मेकअप सारा धुल जाता है। ठीक है, तो मैंने ना आजकल ना नाइनर लगा रही हूँ, ना ही मैं कोई फाउंडेशन वगैरह लगा रही हूँ। हल्का फुल्का सा मेकअप जो भी होता है वो कर लेती हूँ और वीडियो शूट करने बैठ जाती हूँ। ठीक है, तो जो भी चेहरे पे लगा है उसको आप अच्छे से पहले रिमूव कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो चीज़ हम लगा रहे हैं ना वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो सके और अपना वर्क कर सके। ठीक, तो यहाँ पर जो मेरे चेहरे पर क्रीम लगी हुई थी मैंने उसको हटा दिया है। ठीक है, और आप अगर अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लोगी तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। चेहरे को अच्छी तरह से एकदम साफ सुथरा धुला हुआ चेहरा आपका होना चाहिए, तभी ये फेशियल सीरम वर्क करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, जब आप लगाने जा रही हो तो एक बार इसको शेक ज़रूर कर लेना। ठीक है जी, इसको शेक कर लेना, और इसकी चंद बूंदे आपको बस अपने पाम के ऊपर लेनी है। यार कंसिस्टेंसी देखो कितनी गजब की है, ऐसा लग रहा है कि ये मैं मार्केट से लेकर आ रही हूँ, बहुत अच्छा है। मतलब ये देखो
इसको आपको ऐसे करके लगाना है। आप इसको नेक पे भी जरूर लगाइएगा, हैंड्स के ऊपर भी जरूर लगाइए। आपके हाथों पे अगर रिंकल्स आ रही हैं तो आपके हाथों की रिंकल्स भी इससे खत्म होंगी। ठीक है, ये देखो इस तरह से आपको हल्के हाथों से मसाज करना है और इस फेशियल सीरम को आपको एब्जॉर्ब कर लेना है। गाइस इस तरह से मैंने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है और साथ ही साथ आप देख सकते हो स्किन के अंदर एकदम से एब्जॉर्ब हो गया है और मुझे कोई भी चिपचिपापन नहीं लग रहा है। सबसे अच्छी बात है जब इसे आप लगाओगे तो आपको अपने चेहरे पर चिपचिपापन बिल्कुल नहीं महसूस होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लगा लिया। अब क्या करना है, अंडर आई डार्क सर्किल क्रीम। ठीक है, ये फेशियल सीरम जो हमने लगाया है इसको तो आप लगाकर ओवरनाइट के लिए छोड़ोगे और ये डार्क सर्किल क्रीम में एक घंटे भी लगा लोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके आने लगेंगे। इसको लेके आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा सा लीजिए और इसको हल्के हाथों से बस मसाज करनी है। देखो यहाँ का जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा नाजुक होता है तो आपको बहुत हल्के हाथों से मसाज देनी है और इस अंडर आई सीरम को आपको एब्जॉर्ब कर लेना है। तो देखो गाइज इससे आपके अंडर आई डार्क सर्किल हटेंगे, आपके आंखों के चारों ओर जो झुर्रियां हैं वो हटेंगी और कितनी जल्दी इंस्टेंटली ये एब्जॉर्ब हो गया है देखो, कतई भी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा कि मैंने आंखों के चारों ओर कुछ लगाया है। ठीक है, यहाँ का जो कालापन है, पिगमेंट है, झुर्रियाँ हैं, ये सब आपकी रिमूव होंगी और यहाँ की जो स्किन है आपकी बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से सीरम लगा लेना है और लगा के आपको इसको एक घंटे के लिए छोड़ना है। फिर कोई हल्का सा गीला कॉटन का टुकड़ा या कपड़ा कोई भी हो आपके पास वो ले लीजिए और यहाँ की स्किन को आप साफ कर लीजिए और पोटैटो सीरम आपको ओवरनाइट लगाना है। या तो फिर ऐसा कर सकती हो कि पहले अंडर आई डार्क सर्किल जेल लगाया आपने और उसको रिमूव किया, देन आपने क्या किया कि जब सोने जा रही हो तो फेशियल सीरम जो मैंने आपके साथ शेयर किया है इसको लगा लेना। तो दोनों ही तरीके से आप लगा सकती हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप एक हफ्ते के लिए फ्रिज में बनाकर रख लो और मेरा चैलेंज है कि ये आप दोनों ही चीज़ें खत्म होने के बाद फिर से डेफिनेटली बनाओगे, रिजल्ट इतने ज्यादा माइंड ब्लोइंग। देखा गाइस कितने ही कमाल की चीजें हमने आज बनाई हैं, वो भी घर पर और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से, बट इनको आप सिंपल समझने की बिल्कुल कोशिश ना करना। ये कच्चे आलू से बना हुआ सीरम आप रात में लगाइए, ओवरनाइट अपने चेहरे पे लगा के छोड़िए और अंडर आई डार्क सर्किल क्रीम अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी लगा सकते हैं या फिर एक घंटे के बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी ने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा, भरपूर सपोर्ट किया होगा, अपना प्यार भरा कमेंट नीचे जरूर मैसेज कर दिया होगा कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के लिंक को शेयर कर देना। ठीक है, अगर कोई डाउट है क्लियर कर सकते हो नीचे कॉमेंट बॉक्स में या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम निगार फातिमा 17 पर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा फेसबुक ब्यूटी सीक्रेट बाय निगार पर भी आप मुझे अपनी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम में फॉलो करके शेयर कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, टेक केयर गाइज, बाय।